तमाड़ प्रखंड में योग दिवस को लेकर शिविर का शुभारंभ किया गया। तमाड़ प्रखंड में योग दिवस की तैयारी को लेकर पोस्टमास्टर जनरल ऑफिस की ओर से 10 दिनों का योग शिविर प्रारंभ हुआ। इसमें संजीव रंजन, सुनील चौरसिया, पोस्टमास्टर संजय कुमार सहित पीएमजी ऑफिस के अधिकारी व कर्मचारी ऑफिस के कर्मचारी को आचार्य भुक्तरथ योगी प्राणायाम एवं ध्यान कराना सिखाएंगे। सिली प्रखंड में आज बुधवार को योग अभ्यास दिवस मनाया गया। कैनरा बैंक द्वारा संचालित रूट से संस्थान में योग अभ्यास दिवस मनाया गया। मुख्य रूप से उपस्थित योग शिक्षक परमेश्वर कुशवाहा ने लोगों को आरोग्य जीवन के टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र बनती है। उन्होंने कहा कि उच्च खान पान, नियमित दिनचर्या, सकारात्मक सोच और भारतीय जीवन पद्धति को अपनाकर लंबे समय तक स्वास्थ्य जीवन जिया जा सकता है। संस्थान के निदेशक भावेश दास ने बताया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। वहीं संस्थान में 7 दिन पूर्व योग अभ्यास दिवस मनाया गया। इस मौके पर वरीय संकाय अनिल कुमार, जगदीश चंद्र महतो, दशरथ महतो, प्रशिक्षक शोभा देवी एवं महेश रूही दास के अलावा संस्थान के प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्र उपस्थित रही। सिल्ली प्रखंड में आंधी से गिरे 2 किलोमीटर तक बिजली पोल, दर्जनों गांव की आपूर्ति हुई ठप। तेज आंधी तूफान कहर को लेकर आई थी, जिसके कारण 1.5 दर्जन से अधिक विद्युत पोल धराशाही हो गया है तथा कई गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। 6 जून को आई तेज आंधी ने जनजीवन प्रभावित किया ही था। वहीं आज बुधवार को भी आंधी की गति इतनी तेज रही कि खेतों में, रास्तों पर खड़े 50 से अधिक पेड़ टूटकर रास्तों पर गिर गए, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। क्षेत्र में आए तेज हवा के साथ तूफान गांव की बिजली गुल कर दी। क्षेत्र में काफी हिस्से में जगह जगह तेज हवा के खंभे टूटने से बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। बिना बिजली के लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली गुल होने के कारण गाँव के लोग पानी के लिए तरस गए। वहीं क्षेत्र के दर्जनों गाँव भी बिजली पूर्णतः ठप होने से लोग परेशान हो रहे हैं। जिन गांव में बिजली नहीं है वो पोंगरा, रांगा, माटी, बसंतपुर, बसिया, धानामुजी, सुसु, लुथुप, बंदियारू, निश्चितपुर, कोयरांडी, घनबासार, जाराडी समेत कई टोला में अंधेरा है। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग को घटना से अवगत करा दिया गया है, परंतु अब तक कोई पहल नहीं हुई है। जल्द से जल्द कोई पहल नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में सिल्ली के कन्या विद्युत अभियंता से जानना चाहा तो उन्होंने अपना मोबाइल रिसीव नहीं किया। अनगढ़ा प्रखंड में कुएं में डूबकर मजदूर की हुई मौत। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के पैका टांगटांग टोली में रात कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया है कि राहे थाना क्षेत्र के गुचीडी निवासी जटलू घासी पैका में रहकर एक बंगाली भट्टा में मजदूर करता था। रात शराब के नशे में वह कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनगढ़ा थाना की पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया। सिली प्रखंड में आज सोमवार को हरिनाम संकीर्तन के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सिली प्रखंड के हाट बगान स्थित हरि मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्री श्री 108/24 प्रहार हरिनाम संकीर्तन समारोह विधि विधान पूजा पूर्वक अर्चना एवं राखल भोग के साथ संपन्न किया गया। वहीं गंधो दिवस के साथ यह पूजा प्रारंभ हुआ। 9 दिन और 9 रात तक निरंतर चल रहे हरिनाम संकीर्तन के अंतिम दिन जागरण में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर एवं मंदिर में आने जाने वाले हर रास्ते को आकर्षक ढंग से विद्युत सज्जा की गई। समिति के सदस्यों द्वारा परिसर में साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था व सुरक्षा इंतजाम किया गया था। समिति के संरक्षक राजा पुष्पेंद्र नाथ सिंह देव एवं समिति के सदस्य ने हरिनाम संकीर्तन के सफल आयोजन के लिए सभी जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, श्रद्धालु, चंदादाताओं, स्वयंसेवक एवं मीडियाकर्मी का आभार जताया। बुंडू अनुमंडल में आज बुधवार को बुंडू एसडीओ की एक बैठक आयोजित की गई। बुंडू अनुमंडल में आज बुधवार को बुंडू एसडीओ के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि किसी भी संप्रदाय व धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया में शेयर ना करे और ना ही किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात सार्वजनिक मंच पर बोले। उक्त निर्देश बुंडू एसडीओ अजय कुमार साव ने बुधवार को अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक में कही। वहीं एसडीओ ने बताया कि सरकार के निर्देश पर अनुमंडल के सभी थानों में एक एक कर शांति समिति की बैठक आयोजित करने के बाद पूरे अनुमंडल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बुंडू, तमाड़, सोनाहातू एवं राहे प्रखंड के सीओ, सभी थाना प्रभारियों की एक सांप्रदायिक लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबों के विचार को सुना गया। सबों ने आश्वासन दिया कि किसी प्रकार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने नहीं दी जाएगी। सबों को निर्देश दिया गया कि संदिग्ध पोस्ट सोशल मीडिया पर मिलने पर पहले जांच करें, फिर प्रशासन को जानकारी दें।